अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो फाइनल पेपर, वो फाइनल सवालात आपको बताने जा रहा हूँ जो कि पेपर में आने हैं। और आपने ये चीज़ें लाजमी तौर पे याद करके जानी है। अगर आप लोग पास होना चाहते हैं तो इन चीज़ों को बेटा फॉलो कर लेना, आप लोग ईजिली पास हो जाओगे। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सप्ली के पेपर दे रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर देना है 9th क्लास फिजिक्स का। तो बेटा आपने पहली चीज़ जो याद करनी है, पहली चीज़ जो रिवाइज करनी है वो MCQs हैं। बेटा जल्दी से आपने 15 या 20 मिनट लगा के MCQs पढ़ लेने। बहुत सारे बच्चे सारा सिलेबस तैयार कर लेते हैं, MCQs तैयार नहीं करते, वहाँ से आपने 10-12 नंबर कटवा लेते हैं और सारी बैंड बच जाती है टोटल मार्क्स की। तो आपने ये चीज़ एक बात याद रखनी है बेटा, पहले MCQs याद करने हैं। ठीक है, बाकायदा मैंने आप वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप लोग बुक से पहले याद करें। बुक से तकरीबन 8 या 9 बुक्स ही आएंगे, बाकी 4-5 जो चैप्टर्स के अंदर जाते हैं या पास्ट पेपर से। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने चीज़ें चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। इसके अलावा चैप्टर अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सवालात हमने कौन से करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बता दें। तो बेटा आपको मैं एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ, कोशिश करनी है कि आप लोगों ने उनको याद करना है। तो बेटा पहली चीज़ जो आपने याद करनी है वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, हरकत की तीन मसाब आते हैं, ये आपने सबसे पहले रटनी है लाजमी तौर पे बेटा, ये रिवाइज करके जानी है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाला, ये आई थिंक ये चैप्टर नंबर 6 में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने ये करना है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपने करना है। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें अहम हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आपको बाकायदा जो है वो अहम सवालात, अहम लॉन्ग सवालात और अहम न्यूमेरिकल जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो बेटा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं काइंडली बेटा चैनल सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख लेते हैं लेकिन वे सब्सक्राइब नहीं करते, काइंडली बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियोज़ जो है आप लोगों तक रेगुलरली पहुँचते रहें। और नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बेटा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें ताकि वीडियो जल्दी जल्दी से बाकी स्टूडेंट्स को मिल जाए। सो देखिएगा, तो बेटा इस वीडियो में मैं आपके साथ लॉन्ग सवालात शेयर करने जा रहा हूँ और न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में इस तरीके से आपसे सवालात पूछे जाएंगे, बाकायदा इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों में आपके लिए बेटा ये बनाई गई है ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके और ईजिली आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो पहला है, अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके बेटा जो भी आंसर आएगा उसको अपने राउंड ऑफ कर देना है। योर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 mm पर डे फाइंड द ग्रोथ रेट इन न्यूटन मीटर पर सेकंड। अ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, एक स्क्रू गेज है उसके सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीजन है। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 mm, उस स्क्रू गेज की जो पिच है वो 5 mm है। वट इज़ इट्स लीस्ट काउंट, उसका आपने लीस्ट काउंट बताना है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, एक ट्रेन रेस्ट की हालत में बेटा स्टार्ट होती है। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव अलोंग थ्रू 100 मीटर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में एक्सीलरेशन के साथ आराम से चलती है, इसकी रफ्तार इतनी है एक ट्रेन जब ये 100 मीटर से चलती है ट्रेन। तो बेटा उर्दू में जब ट्रांसलेशन की जाती है ना गूगल ट्रांसलेटर से, थोड़ा सा उर्दू आगे पीछे लिखी जाती है, तो अगर आपको नहीं अंडरस्टैंड हो रहा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये न्यूमेरिकल है, आप लोग बुक से देख सकते हैं। ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, हरकत की तीसरी मसावत अख्ज करें। ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा आपको मैंने पहले भी बताया है ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है ना ये इंतहा की इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है ये। उसके बाद है, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, इट एक्सीलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, डिफाइन मोशन एंड डिस्क्राइब इट्स 3 टाइप। उसके बाद बेटा अगला है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरा मोशन का कानून, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव द रिलेशन फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, डिफाइन फ्रिक्शन की आपने डेफिनेशन करनी है और इसको कम करने के 3 तरीके बताने हैं आपने। अब बुलेट ऑफ मास, एक बुलेट है जो उसका मास इतना है, फायर फ्रॉम गन विद मजर वेलोसिटी, उसे गन से फायर किया जाता है इतनी वेलोसिटी के साथ। फाइंड रिकॉइल ऑफ द गन इफ इट मास इज, उसका गन का रिकॉइल फाइंड करना अगर उसका मास इतना है। फाइंड डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड ऑल्सो ड्राइव इट्स इक्वेशन।
साइकिलिस्ट ऑफ मास एक साइकिल चलाने वाला है जिसका मास इतना है 40 केजी पर एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ इतनी वो फोर्स लगाता है टू मूव हिज बाईसाइकिल विद एन एक्सीलरेशन ऑफ इतने मीटर पर सेकंड हाउ मच इज द फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर फाइंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ऑफ 100 न्यूटन इन मास ऑफ 50 केजी अ बॉडी ऑफ मास 5 केजी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकंड्स Explain Newton's first law of motion. Why is it called law of inertia? How much time is required to change 20 Newton second momentum by a force of 20 Newton? States Newton's first law of motion and explain with the help of two examples. उसके बाद है a man is pulling a trolley on a horizontal road with the force of 200 Newton, making 30 degree with the road. Find horizontal and vertical components of its force. The steering of car has a radius find the torque produced by couple. A mechanic tighten the nut of bicycle, but the most important है ये वाले सवाल आते हैं यही आपने पढ़ के जाने हैं. How much time is required to change 20 newton second momentum by a force? ठीक है. Write 4 method of reducing friction. फ्रिक्शन को कम करने के चार तरीके बताएं. Determine mass of earth using Newton law of gravitation. Define and explain the law of gravitation. Explain the motion of artificial satellite. Explain the variation of a value of a gravitation acceleration with the altitude. उसके बाद आप 50 kg man moved इतने step पर move करता है find its power उसकी power आपने find करनी है. Calculate the power of pump which can lift 200 kg of water. A man has pulled a cart through 35 meter applying a force 300 newton. Find the work done by the man. A man pulls a block तो बेटा ये numerical आपने देख लेना है. ये numerical देखने में सारा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपने सिंपल जस्ट अपनी बुक ओपन कर लेनी और इनको आपने रिवाइज कर जाना चाहते हैं बस ठीक है. उसके बाद है अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज अ स्पीड ऑफ इतनी है जी फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी सिंपल आपने जी 1/2 mv² का फॉर्मूला लगाना है आंसर आ जाएगा. अ मोटर बोट मूव्स एट द स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट 4000 न्यूटन कैलकुलेट पावर ऑफ इट्स इंजन उसकी इंजन की पावर नोम करनी है. एक्सप्लेन सोलर हाउस हीटिंग बेटा ये आप लोग चैप्टर चाहें तो जो वो चॉइस में छोड़ सकते हैं लेकिन इन चैप्टरों में जो अहम है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं सब वाला ठीक है. पास्कल यंग मॉडुलस ये आपने करने हैं. इसी तरह थर्मल एक्सपेंशन ड्राइव एन इक्वेशन ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ठीक है. वॉल्यूम हरारती फैलाओ और लीनियर हरारती फैलाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले ठीक है. ग्रीन हाउस इफेक्ट लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज तो बेटा ये आप लोगों का पेपर अगर आप लोग अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो इस गैस पेपर को लाजमी याद करें. अगर आप लोग सिर्फ किताब के पहले 6 चैप्टर कर लेते हैं तो आपके शायद सवाल तो इसी में से आएंगे. MCQs किताब की मशक से आने हैं 6 किताब में से 6 मशक में से इसका गैस आपको चैनल पर मिल जाएगा. तो बेटा ये वाले चैप्टर आप लोग चाहें तो चॉइस पर छोड़ भी सकते हैं लेकिन पहले जो 6 चैप्टर या 5 चैप्टर हैं वो अपने लाजमी तौर पर याद कर लें. अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ देना अगर वो तमाम बच्चे जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है अल्लाह पाक उन तमाम बच्चों को अच्छे नंबरों से पास कर दे. सो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दिल्ली है खुदा हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद. सो आई होप बेटा आप लोग को पता चल गया होगा कि भाई 9th क्लास की फिजिक्स है कि हमने कौन से सवाल करने हैं और इनको करके हम लोग ईजिली पास हो सकते हैं. तो बेटा अगर आप लोग पास होना चाहते हैं मैंने बताया हुआ है MCQs तैयार करने हैं. पहले आप लोग 5 चैप्टर तैयार कर जो या पूरी बुक के जितने भी चैप्टर हैं उनके मशकों में जो शॉर्ट सवाल आते हैं ना वो आप लोग तैयार कर जो आप लोग पास हो जाओगे ईजिली आप लोग पास हो जाओगे. तो जो सवाल मैंने आपको बताए हैं अल्लाह पाक आप सब बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ दें. अल्लाह करे तो तमाम बच्चे जो किस चैनल से तैयारी कर रहे हैं अल्लाह पाक उन तमाम बच्चों को इस मुबारक माह के सदके जो है वो पास कर दें और अल्लाह करे आप सभी का ये वाला पेपर भी आसान हो. सो बेटा अगर वीडियो पसंद आई है लाजमी तौर पर बेटा लाइक करके जाएगा और चैनल पर नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. हम मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन खुदा हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद.